छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के लिए 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। यह वोटिंग दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। बाकी 10 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शाम को 5 बजे तक की जाएगी। इस बीच सुकमा के टोडा मरका में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करने से चपेट में आकर सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। पहले चरण के मतदान के तहत आज 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में 25 महिलाओं समेत कुल 223 उम्मीदवार मैदान में है, जिनके लिए कुल 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। पहले चरण के लिए 5,304 चुनाव के बूथ बनाए गए हैं और 25,249 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है।